देश की राजधानी दिल्ली की पॉलिटिक्स में पिछले 1.5 साल से एक मुद्दा अहम बना हुआ है और वो मुद्दा है शराब का। शराब यानी अल्कोहल यानी लिकर। यही लिकर है जिसके लिए एक्साइज पॉलिसी या लिकर पॉलिसी 2021-22 लागू की गई थी। उस पॉलिसी में घोटाले का लगा था आरोप और इस वक्त हालात ये हैं कि आम आदमी पार्टी के डिप्टी CM और राज्यसभा सांसद जेल में हैं। मेरा नाम सत्यम है, आइए आज NC डिकोड्स के इस वीडियो में यही जानते हैं कि क्या है ये एक्साइज पॉलिसी, आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में क्यों हैं और इसकी वजह से दिल्ली की राजनीति पर क्या फर्क पड़ने वाला है। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले सबसे लेटेस्ट खबरों से शुरू करते हैं। 4 अक्टूबर को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के यहाँ ED की छापेमारी हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अक्टूबर तक वो पुलिस कस्टडी में थे और 13 अक्टूबर की सुनवाई में उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेज दिया गया। आरोप संजय सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग का है जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा है। इसी मामले में 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। अब ये समझिए कि ये मामला है क्या। दिल्ली में शराब की दुकानें एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से चलती हैं। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को 2021 में पेश किया था जो नवंबर 2021 में लागू भी कर दी गई थी। इस नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटकर करीब 850 ठेके खोले जाने वाले थे जो सारे प्राइवेट ठेके होते। पिछली नीति में शराब की सरकारी दुकानें करीब 70% थी, बाकी सब प्राइवेट थी। इसी नीति में शराब की होम डिलीवरी, बार या होटल को शराब बेचने के लिए 3 बजे तक खुलने और दुकान वालों को शराब पर अपने हिसाब से डिस्काउंट देने की भी बात कही गई थी। यानी यही वो नीति है जिसके तहत 2021 में दिल्ली के ठेकों पर एक के साथ एक बोतल फ्री, बियर की पेटी के साथ बोतल फ्री या शराब पर 25% तक डिस्काउंट जैसे बड़े ऑफर पर लोगों ने शराबें खरीदी थी। दिल्ली सरकार ने इस नीति को लागू करते हुए कहा था कि प्राइवेट दुकानें होने से रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा जो सरकारी दुकानों से नहीं मिल पाता था। ये नीति इस तरह से कई महीने तक चली भी, लेकिन विपक्षी पार्टी BJP लंबे समय से इसका विरोध कर रही थी। अब चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को इस पॉलिसी पर अपनी रिपोर्ट डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, CM अरविंद केजरीवाल और LG विनय सक्सेना को भेजी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस नीति में इररेगुलरिटीज हैं। जुलाई 2022 में दिल्ली के LG ने इस पॉलिसी पर CBI जांच के आदेश दे दिए। LG का कहना था कि नई आबकारी नीति यानी लिकर पॉलिसी के तहत टेंडर में जानबूझकर प्रक्रियागत खामियां छोड़ी गईं ताकि लाइसेंसधारियों को अनुचित फायदा पहुंचे। इस जांच के आगे आम आदमी पार्टी की सरकार झुक गई और एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को वापस ले लिया। 29 जुलाई 2022 को इसे वापस लेते हुए कहा गया कि 6 महीने बाद इसे फिर से लागू किया जाएगा। इस मामले की जांच CBI और ED दोनों ने की है। 17 अगस्त 2022 को CBI ने FIR दर्ज करते हुए मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बताया था, जिसके बाद 19 अगस्त 2022 को उनके यहाँ रेड हुई। CBI ने उनसे एक से ज्यादा बार पूछताछ की। 25 नवंबर को दायर हुई चार्जशीट में उनका नाम भी था और 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह पर मेजर आरोप यह है कि उन्होंने एक दिनेश अरोड़ा को एक्साइज डिपार्टमेंट के थ्रू फेवर्स दिए थे और बदले में 82 लाख रुपए उनसे पार्टी फंड में मंगवाए थे। अब आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के 3 मुख्य विधायक जो कि सीनियर पोस्ट के मंत्री रह चुके हैं वो जेल में हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा सत्येंद्र जैन भी एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में कई वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट सवाल यही उठाते हैं कि इन नेताओं के खिलाफ प्रूफ है भी या उनको सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया कि वो मोदी सरकार की आलोचना करते थे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए newslick.in को। हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमको ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।